तो हम बात कर रहे हैं आज कंडीशनल प्रॉपर्टी की सेकंड क्लास में। हमने कंडीशनल प्रॉपर्टी की पहली क्लास में देखा था कि किस तरीके से हम डेटा को फॉर्मेट करते थे, राइट। तो कंडीशनल प्रॉपर्टी की पहली क्लास में हमने हाईलाइट सेल्स रूल्स के बारे में जाना, टॉप बॉटम के बारे में जाना और हमने जाना डेटा बार के बारे में और साथ में हमने आइकन सेट के बारे में जाना, राइट। तो हमने साथ में ये भी बताया था आपको कि ये जो चीजें दी गई है बाहर में वो मोस्ट यूजेज चीजें हैं, जो मोस्ट यूजेज है वो है, ठीक है सर। लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है वो हिडन है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन है तो नॉट बिटवीन नहीं है, नॉट इक्वल टू नहीं है। तो इन सबों के लिए आप न्यू रूल्स में या न्यू रूल्स में या फिर मोर रूल्स पे जाएंगे तो आपको कंडीशनल प्रॉपर्टी का एक आइकन आएगा जिसमें सब कुछ है, ओके। इसमें आपके साथ सब कुछ है, तो इसमें चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए क्या क्या है। तो यह है आपका बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, राइट। ठीक है सर। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए चलिए मैंने लेस देन इक्वल टू कर दिया और इसमें मैंने दे दिया एट की, और कलर के लिए यहां फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहां फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहां से आप अपने जो फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लीजिए एंड ओके कर लीजिए, वही अप्लाई होगा, ठीक है। तो यह है आपका सेल वैल्यू पे, यहां पे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपने देखा था सेल दैट कंटेनिंग, इसमें आपका आता है नॉट कंटेनिंग, मतलब कि अगर कंटेनिंग में क्या है कि मान लीजिए कि इसमें दिल्ली और न्यू दिल्ली था तो मैं चाहता हूं कि जिसमें इसमें आपने दैट सेल दैट कंटेन में देखा था आपने कि अगर हमने दिल्ली दे दिया तो दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट हो जाता था। तो यहां आप ये देख सकते हैं फॉर्मेट में नॉट कंटेनिंग, मतलब कि जिसमें दिल्ली ना हो वो हाईलाइट हो, या फिर बिगेन विद, जैसे हमने बोला कि जो जे से स्टार्ट हो वो हाईलाइट हो, पहला वर्ड पहला लेटर जो हो वो हाईलाइट हो, उसके बाद यहां पे बिगेन विद आपका आता है कि पहला लेटर या एंड विद लास्ट में जो वर्ड है, मान लीजिए शर्मा हाँ आज सिंह वगैरह हाईलाइट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए एंड फॉर्मेट सेल में आप कलर दे दीजिए। ऐसे डेट टॉपिंग सेम है जो बाहर था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ब्लैंक नो ब्लैंक एरर। हाँ एरर का एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक सीट पे गया और यहाँ पे हम एक डेटा को लेते हैं, मान लीजिए इसमें कई जगहों पे एन ए लिखा है क्योंकि ये फॉर्मूला से है तो इसमें एन ए होना स्वाभाविक है, मतलब कि एरर, एन ए का मतलब एरर, या हो सकता है कि डी आई वी भी हो। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एरर है और मैं चाहता हूं कि मेरा एरर जो है वो हाईलाइट ना हो, तो इसके लिए इफ एरर बाकी फॉर्मूले है लेकिन मैं इसकी सिर्फ प्रिंटिंग पर्पज से या विजुअली पर्पज से चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे सर। तो अभी देखिए क्या है कि इसकी बैकग्राउंड व्हाइट है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम व्हाइट मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे तो कुछ पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो उसी तरह से यहां पे आते हैं हम, यहां पे हम करते हैं एरर और फॉर्मेट पे जाते हैं और इसका जो आपका बॉर्डर में
आपका यहाँ पे बोलो नहीं फॉन्ट, फॉन्ट में यहाँ पे जो आपका कलर है उसको वाइट कर देता हूँ, मतलब पीछे भी वाइट है तो हमने यहाँ पे भी इसको वाइट कर दिया है। ओके सर, तो इसमें एक्चुअली है एरर है बट विजुअल नहीं है, एरर तो है बट विजुअल नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, आपका यहाँ पे फॉर्मेट सेल कंटेन में ये आपका ए नो एरर, मतलब कि एरर को हाईलाइट नहीं करेगा। उसके बाद ये आपका क्या है टॉप बटन है, बाहर जो सिखा तो वही है, अबव भी जो है यूनिक डुप्लीकेट एंड यूनिक जो बाहर था वही है, इसमें आता है न्यू। अब ऐसा एक और प्रॉब्लम इसमें आ सकता है कि इसमें जो चीज प्री डिफाइंड है वो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे होंगे जिसके लिए आपका जिसके लिए आपके पास इसका कोई ही हुई नहीं। तो उसके लिए फॉर्मूला अपने हिसाब डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यहाँ जी टोटल, हाँ तो मुझे इसका क्या है कमीशन निकालना है, तो हमें इसका निकालना है 10%। अगर 10% अगर 15,000 से ऊपर होता है तो पूरा का पूरा रो हाईलाइट हो जाए, समझे। अब यहां पे हमें फॉर्मूला लगाना है, तो सिर्फ हम एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, और फिर न्यू रूल्स पे जाएंगे, यूज फॉर्मूला, और यहां पे हम सबसे पहले तो जी टोटल का 10% निकालेंगे, और वो अगर ग्रेटर देन 6,000 या 15,000 और इसमें हम क्या करेंगे कि डॉलर साइन में हम रो नंबर का डॉलर हटा देंगे, क्योंकि नीचे जब ड्रैग करेंगे तो चेंज होना चाहिए ना सर, इसलिए। और फॉर्मेट में चलिए हम बॉर्डर इसमें फिल में आते हैं और हम यहां मान लीजिए ग्रीन कलर कर देते एंड यहां से ओके करते हैं, एंड यहां से भी ओके करते हैं, और फॉर्मेट प्रिंटर से हम इसको पेंट कर देते हैं पूरे को, जो भी डेटा है आपका जहां तक चाहते हैं वहां तक। अब यहां पे देखिए एक भी कलर नहीं हुआ क्योंकि हमने 15,000 दे रखा है। मैं एक काम करता हूं, किसी का चेंज करता हूं, क्या कलर सर मुझे इस कंडीशन दे सकते हैं। दूसरा मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ और आप बताता हूँ कि मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन इसमें टैक्स लिखे तो हाईलाइट हो जाए, इसमें नंबर में भी एंट्री होनी चाहिए, टैक्स में एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे हम कैसे पता करें कि इसमें सेल या, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इज टेक्स्ट का,
इस टेक्स्ट इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आएगा, अगर इसमें टेक्स्ट हुआ तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे न्यू रूल्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्मूला वाला सेक्शन यूज करें तो आप जो है सिर्फ एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करें, इसका ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करें। यहां पे हमने लिखा इज टेक्स्ट ओपन और हमने यहां पे मान लीजिए A2 को ले लिया और फॉर्मेट सेल में जाके हमने कलर दे दिया। ठीक है, तो नंबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे टेक्स्ट हुआ ये आप आपका हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर सर? एक और एग्जांपल यहां पे आपको हम बताते हैं। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था रिमूव डुप्लीकेट, कि डुप्लीकेट को रिमूव आसानी से मैंने डुप्लीकेट हाईलाइट करने का। तो मान लीजिए कि मेरा मोबाइल नंबर है और मैंने यहां पे अगर दो नंबर लिखा, दो नंबर, दो एक ही नंबर को दो बार लिख दिया या दो से ज्यादा तीन बार लिख देता हूं, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहां कंडीशनल वर्डिंग में हाईलाइट डुप्लीकेट करता हूं तो यहां देखिए तीनों हाईलाइट हो रहा है ना सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि तीनों हाईलाइट ना हो, सिर्फ हमारा दो हाईलाइट हो। कैसे करें? तो उसके लिए हमें फॉर्मूला काउंट इफ की मदद लेनी होगी। अब काउंट इफ क्या करता है कि एक कॉलन में हमारा जो एक कॉलन है, इस कॉलन में हमारा इसका काउंट निकालता है, राइट? तो बोलेंगे तीन, अब नीचे इसको कॉपी करें, इसको भी तीन देगा, इसको भी तीन देगा। तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो इसको एक दे, इसको दो दे और इसको तीन दे। जैसे कोई भी नंबर रिपीट होगा, पहला बार रिपीट लिखा टाइप हुआ तो वन, दूसरा बार टाइप होगा तो टू, तीसरा बार टाइप होगा तो थ्री, अगर डुप्लीकेट हुआ तो ये आपका यहां पे वन देगा फिर, समझे? इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ का ही, लेकिन इसे थोड़ा सा हम करेंगे तिगड़ा। हम यहां पे लिखेंगे डी वन से ई टू से ई टू कॉमा ई टू, नीचे ड्रैग करने से पहले पहले वाले ई टू को फ्रीज कर दूंगा। जब मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। तो उस केस में क्या हुआ आप देखिए, अब यहां पे वन आ गया, यहां वन आ गया, यहां टू आ गया, थ्री आ गया। अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला और हम इसको डाल देंगे और बोलेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन वन है तो क्या करें, उस पर कलर कर दे। हमने रेड कर दिया, रेड से कलर कर फॉर्मेट पेंटर से नीचे की तरफ हम पेंट कर देते। समझ में आया सर? अमित जी सर, अमित जी, राहुल जी, समझ में आया आपको? अगर आया है सर, सर बताइए, तो ये तो पता चलेगा ना, आप बोलते हैं तो। हाँ जी सर, आ गया। बोलते हैं तो सर फील होती है कि हाँ पढ़ा रहा हूं मैं। ओके, अब उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मुझे यहां पे ये भी करना है कि मैं यहां पे मोबाइल नंबर लिखूं और मोबाइल नंबर में ये करना चाहता हूं कि डुप्लीकेट भी हाईलाइट हो। मैं ये देखना चाहता हूं कोई अगर 10 डिजिट से ज्यादा है, कम लिखता है तो हाईलाइट हो जाए। तो कितना डिजिट है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा लेन फॉर्मूला से। लेन हमने इसको सिलेक्ट किया और इसे बता दिया कि 10 डिजिट है।
तो यहां पे मैं आऊंगा और यहां न्यू रूल्स पे जाऊंगा, यूज फॉर्मूला, और यहां पे इक्वल हम देंगे लेन। अब प्रॉब्लम है कि हमने लेन फॉर्मूला में इसको दिया और हमने बोल दिया कि नॉट इक्वल टू 10, तो ये हमारा ब्लैंक भी हाईलाइट हो जाएगा। ब्लैंक क्यों हाईलाइट हो जाएगा? क्योंकि ब्लैंक आएगा जीरो और जीरो भी नॉट इक्वल टू, जीरो भी आपका नॉट इक्वल टू 10 ही होता है ना। यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एंड का, मतलब कि मुझे दो कंडीशन चाहिए, एक कंडीशन तो नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए और दूसरा कंडीशन होना चाहिए लेन h2 इज ग्रेटर देन जीरो। जब आपको दो या दो से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करनी हो तो आप इस्तेमाल क्या करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे एंड फॉर्मूला या और फॉर्मूला। तो एंड जब रिक्वायर होगा कि हाँ दोनों कंडीशन चाहिए तो एंड, कोई एक चाहिए तो फिर और, ठीक है, ओके एंड और फिर फॉर्मेट प्रिंटर पेंट कर देते हैं। अब डिजिट में कम लिखूंगा तो उसको हाईलाइट। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम इसी तरह से फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी तक फॉर्मूला को सही ढंग से पढ़ा नहीं, राइट? तो हम क्या करते हैं कि यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम स्टॉप करते हैं।